दिन में 2-3 बार अपनी गाड़ी में सामान लोड करते हैं और निकल पड़ते हैं उन जरूरतमंद परिवारों को बांटने के लिए जो कि भूखे मर रहे हैं। किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ इंसानियत का फर्ज यूं निभाकर तो देखिए। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसे एपिडेमिक से हमारा पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है और इंडिया जैसा हमारा जो देश है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस फेस कर रहा है। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, राशन का सामान नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज आ चुकी है हमारे इंडिया के लिए। लेकिन आज कुछ भी वेलफेयर सोसाइटीज ऐसी हैं जो अपने बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सहायता के लिए निरंतर लगी हुई हैं। और जब से ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है तब से एक सोसाइटी हमारे साथ जुड़ी है। अब आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मिलवाते हैं मिस्टर बिट्टू गुंबर जी से, जो हमें बताएंगे कि इस क्रूशियल टाइम को वो कैसे लोगों के लिए आगे आकर उनकी सहायता कर रहे हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने देख ही रहे हैं, आप डेली न्यूज़ भी देखते होंगे कि कितना क्रिटिकल फेस चल रहा है हमारे इंडिया के लिए, तो आप किस तरीके से आगे आकर लोगों की हेल्प कर रहे हैं? हम लोग पिछले 15 दिन से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी दिन से हम शुरू हो गए थे। जैसे हर जरूरत का सामान, पहले दिन हमने शुरू किया बच्चों के लिए सामान, पानी, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले जो भी खड़े हैं उनके लिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तो हमने राशन, जो सूखा राशन एक परिवार का, जो 4 लोग एक परिवार के उनके लिए 15 दिन की पूरी किट, जिसमें 4 तरह की दालें हैं और एक तेल की बोतल है, चीनी है, गुड़ है, मसाले हैं, चावल हैं 2 किलो और आटा है, और सारा ये हम एक किट बना के उन ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचा रहे हैं जिनके पास खाने को एक दाना भी नहीं है। ये भी हमने सुना है कि बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प के आपकी एक पूरी टीम है जो निरंतर काम कर रही है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल जी, हमारी एक शिव वेलफेयर सोसाइटी है जो कि हर साल क्या, जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो हम बढ़ चढ़ कर इसमें योगदान करते हैं और हमारी सोसाइटी की ओर से ये सारा हो रहा है। जो मेरे दोस्त लोग हैं, जब वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, हमें कोई सरकार की तरफ से कोई हमें हेल्प नहीं मिल रही है, ये सब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। अराउंड कितने लोग आपकी टीम के साथ जुड़े हुए हैं जो आप इतना अच्छा आपने स्टेप उठाया है लोगों के लिए, क्योंकि बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है यहाँ पर? हमारी सोसाइटी के तकरीबन 11 मेंबर्स हैं और मेरे फ्रेंड सर्कल में जैसे 10-15 लोग हैं, वो सब मिलकर इस सेवा के कुंभ में योगदान डाल रहे हैं और हम ये सेवा ऐसे ही निरंतर जारी रखेंगे जब तक ये देश, ये लुधियाना शहर पंजाब हमारा कोरोना से मुक्त नहीं हो जाता। एक चीज़ हमें बताइए, थोड़ा सा आप एरिया मेंशन करेंगे कहाँ कहाँ पे आप जो ये सेवा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँचाई जा रही है, किस किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है आपकी तरफ से? हमने पिछले 14 दिन से कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा। लाडोवाल, जेल रोड, जस्सियाँ, चौड़ा बाजार, जैसे जो भी गरीब तबके हैं, जवाहर नगर, जहाँ से भी मेरे को फ़ोन आता है। आज हम देखो डुगरी थांदरा रोड है, यहाँ से मेरे को फ़ोन आया तो हम लोग यहाँ भी आ गए। यहाँ भी अभी हमने 20 परिवारों को कम से कम राशन मुहैया करवाया। इसके बाद हम इसी रोड पे आगे फिर चले हैं, वहाँ भी 15-20 परिवार हैं, उनको भी राशन मुहैया करवाएंगे। इसी कड़ी को लेके हम दिन में 2-3 बार अपनी गाड़ी में सामान लोड करते हैं और निकल पड़ते हैं उन जरूरतमंद परिवारों को बांटने के लिए जो कि भूखे मर रहे हैं। तो आप खुद घर घर जाकर ये लोगों को सेवा दी जा रही है आपकी तरफ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चाहे मैं आज देखो, आप अभी मैं धांधरा रोड पे खड़ा हूँ तो मेरे को अभी फ़ोन कॉल आया जो कि हैबोवाल कला से, तो हम सीधा यहाँ से वहाँ जाएंगे।
चाहे रोज की 20-40 किलोमीटर गाड़ी भी चल रही है, लेकिन नो टेंशन, हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। एक चीज हम जाते जाते आपसे यही पूछना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसमें कोरोना वायरस के टाइम हर कोई बोल रहा है कि मेंटेन करके रखिए, तो जब आप घर घर जाके सामान पहुंचाते हैं तो लोगों ने कवर किया होता है अपने आप को, या आप उनको अपनी तरफ से एक मैसेज भी देते हैं कि सोशल डिस्टेंस? हम लोग जाके पहले उनको सैनिटाइजर से उनके हाथ धुलवाते हैं, जिनके पास मास्क नहीं है उनके लिए मास्क मुहैया करवाते हैं, जो लेडीज हैं उनको हम बोलते हैं कि अपना मुंह बांधो, हर तरह का हम, जैसे कि लोगों को हम कहते हैं राशन लेने के लिए कम से कम 2 फुट का अपना वक्फा रखो, तो इसी तरह हम लोगों से भी अपील करता हूं मैं लुधियाना वासियों से कि प्लीज़ आप अपने घर में रहें, इस लॉकडाउन की पालना करें, ये बहुत भयानक बीमारी है, 1 सेकंड में लाखों तक पहुंच जाती है, तो आपको आपके परिवार की हर जरूरत की चीज़ आपके घर में मुहैया करवाई जाएगी। हमारी सोसाइटी की ओर से, जो शहर में और भी संस्थाएं ऐसी सेवा के कार्य कर रही हैं, सब मिलकर हर जरूरतमंद परिवार को हम हर चीज़ मुहैया करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम हमें देने के लिए, और होपफुली आपका ये स्टेप काफ़ी लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज बन के सामने आएगा। आपने देखा, यह थे हमारे साथ सोशल वर्कर बिट्टू गुंबर जी, जिनकी तरफ से एक बहुत अच्छा मैसेज मिला कि घर घर तक उनकी तरफ से उनकी एक पूरी टीम है जो लोगों को खाने का सामान पहुँचा रही है, और लॉकडाउन पीरियड जब तक भी चलेगा या आगे एक्सटेंड होता है उनकी तरफ से ये काम चलता रहेगा, जारी रहेगा। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV। We'll be right back.